हाय गाइस, फाइनली महाराष्ट्र बी एड सी टी एंड ई एल सी टी रिजल्ट इज ऑल्सो आउट. सो काइंडली लॉग ऑन टू द सी टी सेल वेबसाइट एंड चेक योर रिजल्ट. ओके, सो यू कैन सी हेयर महाराष्ट्र बी एड सी टी एंड बी एड प्लस ई एल सी टी एग्जामिनेशन. सो यू कैन क्लिक हेयर टू व्यू योर स्कोर कार्ड. सो योर दिस इज हाउ योर पोर्टल विल ओपन. सो एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड सेलेक्ट आई एम नॉट अ रोबोट. लॉग इन कर लो, आपके स्कोर कार्ड का सॉफ्ट कॉपी आ जाएगा, उसको डाउनलोड भी कर लेना, उसका प्रिंट भी ले लेना, आपको एडमिशन में काम आएगा. प्लस आपका 10, 12 और ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी रेडी कर लो. अगर आप कैटेगरी में आते हो एनसी, ओबीसी या तो फिर आप एसटी एससी में आते हो तो आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट. अगर आप महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी होगी अगर आप कैटेगरी में फॉल होते हो. तो रिजल्ट आउट हो गया गाइस, डू पोस्ट इन द कमेंट्स कि आपका रिजल्ट क्या आया हुआ है. And also do share this video to all your friends, those who have appeared for the B.Ed. CET examination, so that they should also aware of this part. Okay, result is out, now they have to check the result. उसके बाद cap round चालू हो जाएगा. Okay. Next is about the cap round workshop. Very soon we are starting the workshop. So kindly fill your details, your name, contact number, email ID, select your exam with B.Ed. CET examination, and your upload your scorecard also, whether you are manual students or not manual student, and finally state. Okay. And very soon I'll be starting the podcast also. टॉपर्स के पॉडकास्ट. सो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन एंड रजिस्टर योर डिटेल्स सो दैट यू कैन ज्वाइन दी वर्कशॉप. बिकॉज कैप राउंड काफ़ी लेंदी होगा आपका और काफ़ी टीडियस प्रोसेस होता है. कोई भी गलती अपने को नहीं करनी है कैप राउंड में, अदरवाइज एडमिशन कैंसिल होता है या तो फिर एडमिशन में प्रॉब्लम आएगी आपको. ठीक है, सो फाइनली बी एड सी टी का भी रिजल्ट आ गया है. डू चेक योर रिजल्ट. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.